हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग जरोधा एप्लीकेशन को यूज करते हैं और मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, भैया जरोधा एप्लीकेशन के बारे में बताओ कि कैसे जरोधा एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम एक बिगिनर्स हैं, पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ इस वीडियो में बेसिक क्लियर करेंगे। एंड मैं आपको ट्रेड लेकर के भी दिखाऊंगा लाइव कि कैसे कॉल ऑप्शन को खरीदना है, कब पुट ऑप्शन को खरीदना है, क्या आपका व्यू होना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी एक बिगिनर है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वो सब कुछ जानेंगे जो एक बिगिनर को ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले पता होना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने में कितना रिस्क होता है, कितने कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, टाइम डीके क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें जो भी फंडामेंटल से रिलेटेड होती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है अगर आप एक बिगिनर है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जरोधा एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है, इस तरह से आप भी लॉगिन कर लीजिए। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जरोधा एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने वॉलेट में फंड ऐड करना पड़ेगा। तो फंड ऐड करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर फंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल देंगे, कितने रुपए ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर UPI, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप किसी के भी थ्रू यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट में। अभी हमारे वॉलेट में 6983 रुपए एडेड है, तो इसी फंड को यूज करते हुए मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा एक लॉट में। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, मैंने बैक कर लिया वापस से एंड हम लोग फिर से वापस होम पेज के अंदर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर वॉचलिस्ट आपको दिखाई दे रहा है सबसे टॉप में। तो वॉचलिस्ट नंबर 1 में मैंने कुछ स्टॉक्स को ऐड करके रखे हुए हैं। आप चाहे तो स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो इंडाइसेस में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं इंडाइसेस के अंदर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। इंडाइसेस मतलब जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, तो इन सबको हम लोग इंडाइसेस बोलते हैं। तो इंडाइसेस के अंदर मैं यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पर वॉचलिस्ट नंबर 2 में मैंने निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 और इंडिया विक्स को ऐड करके रखा हुआ है। अब इंडिया विक्स का क्या मतलब होता है, इसको कैसे देखना होता है, इसका कितना वैल्यू रहता है, तो उसका क्या मतलब होता है, इन सब के ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया विक्स क्या होता है, इसको कैसे देखना होता है और इसका क्या मतलब होता है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, निफ्टी 50 पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है व्यू चार्ट का ऑप्शन। इसके नीचे अगर आप और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा आपको निफ्टी 50 का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और प्रीवियस क्लोज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन में मिल जाता है, तो ऑप्शन चेन भी हम लोग ओपन करके देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको पहले चार्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर व्यू चार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर व्यू चार्ट पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने चार्ट ओपन हो गया है। अब सबसे पहले जो बिगिनर्स होता है यहाँ पर कंफ्यूज जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, तो आपको इन सबको कैसे समझना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, तो डी का मतलब होता है ये यहाँ पर टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक दिन के टाइम फ्रेम में किस तरह से मार्केट परफॉर्म किया है वो आपको एक एक कैंडल के माध्यम से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम फ्रेम को आपको कम कर लेना है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूंगा एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल्स बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। तो इसको बड़ा करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर साइड में पकड़ करके स्क्रॉल करना है ऐसे, फिर आपका ये जो कैंडल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इधर पास पास हो गया तो इसको दूर दूर करना है, तो ऐसे करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इसको आप अपने स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी बिगिनर्स है उनको कंफ्यूजन होता है, सो दैट मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आपको कैंडल्स कौन से टाइप का देखना है तो वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अगर आप बार्स कैंडल देखना चाहते हैं, ये सब बहुत सारे आपको कैंडल्स के टाइप दिखाई दे रहे हैं। जनरली हम लोग यहाँ पर इसी वाले कैंडल्स को यूज करते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कैंडल है जिसमें हम लोगों को हाई, लो और ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ये सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाता है एंड ये हमारा बॉडी है। तो ये सब कुछ आपको क्लियरली इसके अंदर देखने को मिलता है। ये जो कैंडल्स हैं वो 5-5 मिनट के अंदर बन रहा है, यानी कि एक एक कैंडल 5 मिनट में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम फ्रेम 5 मिनट का सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ये टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप 1 मिनट से 5 मिनट तक के बीच का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं, दिन भर के लिए अपना पोजिशन बनाते हैं, तो आप 5 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं या फिर आप अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आवरली टाइम फ्रेम।
सेलेक्ट करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही रहने दूंगा, यहाँ पर मैं आपको स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा, जल्दी से अपना पोजीशन बनाऊंगा, एग्जिट करूंगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा एट द टाइम पे, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करना है कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, उन सबको आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल को रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था आज के दिन में, जो कि आपको यहाँ पर डेट भी दिखाई देगा, तो आज है 7 तारीख और आपको यहाँ पर 7 नवंबर का दिखाई दे रहा है, तो आज के दिन में मार्केट यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। मार्केट मॉर्निंग में अच्छा बड़ा कैंडल बना करके नीचे की तरफ गिरा हुआ था, फिर थोड़ा सा रिकवर करके फिर से नीचे की तरफ आया हुआ था कंटिन्यू, और अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको यहाँ पर यह प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा देन आप कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे, यानी अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फिर से गिरने वाला है तो आप यहाँ पर पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे, एंड आपके खरीदने के बाद अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, यानी कि आपने कॉल ऑप्शंस खरीद लिया और मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपके पुट ऑप्शंस खरीदने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो आपको पुट ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा। इसके अलावा आपको किस स्पीड से प्रॉफिट होगा, मार्केट कितना पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको कितने रुपए का बेनिफिट होगा, कितना पॉइंट नीचे आएगा तो आपको कितने रुपए का बेनिफिट होगा, वो समझने के लिए आपको डेल्टा और थीटा का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो डेल्टा और थीटा का कॉन्सेप्ट पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो पहले तो आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, एंड एटलीस्ट आपको 5 से 6 महीने तक आपको सिर्फ लर्निंग करना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, उन सबको आपको समझने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन करूंगा, इसके बाद वहां पर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको चार्ट समझ में आ गया, अभी मार्केट आपको क्या लगता है कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, नीचे कमेंट में बताओ, एंड हम लोग थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर चार्ट पर आकर के भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, एंड फिर से मैं यहाँ पर निफ्टी 50 पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन पर क्लिक करूंगा, एंड सेंसिबल के ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। सेंसिबल जो है वो जेरोधा के साथ लिंक्ड है, ठीक है, मैप है, तो इसका जो प्रीमियम फीचर्स है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं अगर आप जेरोधा के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो जेरोधा अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। ऑप्शन चेन के अंदर जो बिगिनर्स होते हैं वहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए निफ्टी का अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पर स्पॉट प्राइस दिखाई दे रहा है, 19,375.50 रुपए पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि मार्केट अभी ओपन है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट देखने को मिलता है, तो 9 नवंबर का यहाँ पर एक्सपायरी डेट सिलेक्टेड है, जो भी हमारा करंट आने वाला जो एक्सपायरी डे है वो 9 नवंबर का है, और आज है 7 नवंबर तो 2 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट चेंज करके भी आप ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 नवंबर, 23 नवंबर, 30 नवंबर, 28 दिसंबर, तो ऐसे करके आपको हर हफ्ते का एक एक कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और हर हफ्ते में गुरुवार के दिन आपका एक्सपायरी डे होता है, तो आप कैलेंडर में जाकर के मिला लेना कि ये गुरुवार के दिन पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। और अगर गुरुवार के दिन नहीं पड़ रहा है तो मे बी गुरुवार के दिन कोई इवेंट हो सकता है, जैसे दिवाली, होली, ये सब कोई अगर त्यौहार आ जाता है, जैसे गांधी जयंती हो गया, तो उस त्यौहार के दिन अगर गुरुवार पड़ता है तो उससे एक दिन पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है निफ्टी 50 का, ठीक है। इसके अलावा हर एक इंडाइसेस का अलग अलग दिन एक्सपायरी डे होता है, तो उसको आप डिटेल में समझ लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि किस किस दिन कौन से इंडाइसेस का एक्सपायरी डे रहता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 का एक्सपायरी डे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी करंट जो आने वाला एक्सपायरी डे है वो 9 नवंबर का है, तो इसी को मैं रहने दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनको सेलेक्ट करते हैं तो आप इनमें भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दूर का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद सकते। जैसे अगर आप 25 जनवरी का अगर खरीदना चाहें तो 25 जनवरी सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, बाय सेल यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, तो आप इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, अगर करते भी तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो करंट एक्सपायरी रहेगा वो वाला या करंट के बाद जो आने वाला है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, बाकी इधर में अगर आप जाएंगे तो आपको लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले समय जैसे जैसे समय बीतेगा फिर आपको लिक्विडिटी बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन पहले आपको क्या करना है, जो करंट एक्सपायरी रहेगा उसमें या फिर उसके अगले वाले एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से 9 नवंबर वाला ही एक्सपायरी डे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसी में मैं आपको खरीद करके दिखाऊंगा। और एक चीज़ आपको और नोटिस करना है, जो भी LTP होता है, जो भी प्रीमियम प्राइस होता है, वो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाता है आपका प्रीमियम का वैल्यू गिरते जाता है। जैसे 9 नवंबर का एक्सपायरी डे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके प्रीमियम का वैल्यू कितना है, एट द मनी पे 103 रुपये है, 104 रुपये है, ठीक है।
अगर आप इसको दूर का एक्सपायरी डे सेलेक्ट करेंगे, जैसे 16 नवंबर, ये दूर है आने वाले टाइम, मतलब बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है वो बढ़ा रहेगा। ठीक है, जैसे 16 नवंबर को मैं सेलेक्ट किया तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एट द मनी पे ₹141 इसका प्रीमियम चल रहा है। ऐसे ही अगर आप दूर का और भी ज्यादा जाएंगे, जैसे 30 नवंबर का हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹201 का आपको स्ट्राइक प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है इसका प्रीमियम। ठीक है, तो इस तरह से जितना दूर का आप एक्सपायरी डे सेलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रीमियम यहाँ पर महंगा देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर नियर वाले एक्सपायरी डे को सिलेक्ट कर लेते हैं 9 नवंबर को, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ₹102 ₹101 के आसपास आपको प्रीमियम मिल रहा है। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको खरीदना है तो उससे पहले आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले चार्ट में दिखाया था, अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश होगा यानी कि ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शंस खरीदना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट बेरिश होगा नीचे गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शंस खरीदना है। इसके अलावा जो बिगिनर्स होते हैं उनको यहाँ पर अरेंजमेंट में कंफ्यूजन होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एट द मनी है। ठीक है, तो 19,350 से ऊपर किस तरफ होगा, 350 से फिर 400, फिर 450, फिर 500, तो इस तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बढ़ रहा है। ठीक है, और इस तरफ जा रहे हैं तो घट रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। हालांकि इसको अरेंजमेंट भी इसी तरह से किया गया है। ठीक है, तो अगर आप कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं दैट मींस कि 19,350 से मार्केट 400 की तरफ बढ़ना चाहिए, 400 से फिर 450 की तरफ बढ़ना चाहिए, तो इस तरह से अगर आप बढ़ता है तो कॉल ऑप्शंस के अंदर आपको ये प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रीमियम बढ़ाना है पुट ऑप्शंस का, तो इसके लिए मार्केट गिरना चाहिए, गिरना चाहिए मतलब 350 से 300 की तरफ जाएगा, फिर 250 की तरफ जाएगा, फिर 200 की तरफ जाएगा। तो अगर मार्केट इस तरफ गिरता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रीमियम का वैल्यू बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा उसके लिए आपको डेल्टा और थीटा समझना पड़ेगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एलटीपी में सेलेक्ट हुआ वो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कॉल साइड का एलटीपी दिखाई दे रहा है और इस तरफ आपको पुट साइड का एलटीपी दिखाई दे रहा है। तो ये बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर आपको अलग अलग एलटीपी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग प्रीमियम प्राइस भी बोलते हैं। तो कॉल साइड का प्रीमियम आपको इधर दिख रहा है, पुट साइड का प्रीमियम आपको इधर दिख रहा है, बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। तो स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपको वही कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शन ग्रिड्स। ग्रिड्स का पार्ट है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। तो अगर आप ये चारों चीजें समझ लेते हैं अच्छे से तो आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगा कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सही है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हो सकता है सफिशियंट। जिसके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, जिनके पास सफिशियंट बैलेंस है, वो इन द मनी में ट्रेड करते हैं। जिनके पास थोड़ा कम कैपिटल है या जिनके पास कम पैसा है, वो लोग एट द मनी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है वो लोग आउट ऑफ द मनी को खरीद खरीद के अपना पैसा लॉस करते रहते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते रहते हैं। तो वही बात है, जिसके पास जितना कैपिटल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन प्रीमियम हाई है तो हाई प्रीमियम वाले को क्यों खरीदें, इसके पीछे का लॉजिक आपको वहीं पे समझ में आएगा जब आपको डेल्टा समझ में आएगा कि डेल्टा किस तरह से काम करता है। जो भी इन द मनी का रहता है उनका डेल्टा हाई रहता है, एट द मनी में डेल्टा 0.5 रहता है, और एट द मनी के नीचे 0.5 से कम रहता है डेल्टा। ठीक है, तो वो डेल्टा बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके प्रीमियम के वैल्यू को बढ़ाने घटाने में, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। ठीक है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट आपको इधर दिखाई दे रहा है और ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंजेस हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिमिलरली आपको पुट साइड में भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ दिखाई दे रहा है और पुट में ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इन्फो में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगे, जैसे पीसीआर वैल्यू क्या चल रहा है, मैक्सिमम पेन कितना हो सकता है, आईबी परसेंटाइल कितना है, ठीक है, एटीएम इंप्लॉयड वोलेटिलिटी कितना है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनका हालांकि जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी वापस से मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन को ही ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर हम एलटीपी पर ही रहने देंगे। स्ट्राइक प्राइस हम लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, जैसे 19,350 का। ठीक है, तो इसका प्रीमियम अभी ₹105 चल रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, सेल करना चाहते हैं तो आप पहले सेल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने वॉचलिस्ट में ऐड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट को तो आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ये कॉल साइड के लिए हो गया। सिमिलरली अगर आप पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लस के आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर पहले व्यू बनाएंगे कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो चलिए वापस चलते हैं, पहले चार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो व्यू चार्ट पर क्लिक करेंगे एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, तो आप लोगों ने जो कमेंट में बताया था वो लोग अपना वेरीफाई कर लेना कि मार्केट बुलिश हुआ या बेरिश हुआ। हालांकि यहाँ पर कोई अभी सेटअप नहीं बन रहा है। ठीक है, या तो हाई को ब्रेक करे तब हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे, या फिर नीचे की तरफ लो को ब्रेक करे तब हम लोग यहाँ पर बेरिश साइड ट्रेड ले सकते हैं। अभी मार्केट बिल्कुल बीच में घुमा हुआ है। ठीक है, और स्टार्टिंग के 5 मिनट के कैंडल के बीच में ही अभी मार्केट चल रहा है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा कोई सेटअप नहीं बन रहा है। हालांकि सेटअप क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हुआ था कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, किस सेटअप पर लेना है, तो उसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ पर बीच में ही चल रहा है, हम लोग अगर यहाँ पर एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस सिखा रहा हूँ, तो मुझे लॉस एंड प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, उसको मैं बियर कर लूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोसेस सिखाता हूँ कि कैसे आपको बाय ऑप्शंस करना है, कैसे आपको सेल करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर व्यू लेकर के चलते हैं कि मार्केट क्या हो रहा है, बुलिश हो चुका है बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड हम लोग मान करके चलते हैं कि मार्केट बेरिश होगा। अगर मार्केट यहाँ से बेरिश होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉफिट होगा, ठीक है, पुट साइड में। तो मैं यहाँ पर पहले पुट साइड के ऑप्शंस को बाय करके दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको कॉल साइड के ऑप्शंस भी ट्रेड करके दिखाऊंगा। हालांकि मुझे लॉस हो या प्रॉफिट उससे मतलब नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बेसिक चीजें समझाऊंगा कि किस तरह से मार्केट के मूवमेंट के साथ आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ एंड वापस से मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर लूंगा। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इन द मनी का हम लोग ऑप्शंस कर देंगे, ₹80 इसका प्रीमियम चल रहा है पुट साइड में, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय पर क्लिक करूंगा। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रेगुलर, एएमओ और आइसबर्ग का ऑप्शन मिलता है। रेगुलर में आप यहाँ पर जनरली बाय करते हैं, रेगुलर के ऊपर मैं कई बार वीडियोस में बताया भी हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं रेगुलर में ही खरीद करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा एएमओ का फुल फॉर्म होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भी आप यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट एएमओ का यूज करके, ठीक है। इसके अलावा आइसबर्ग में आएंगे तो आप यहाँ पर जैसे लिमिट होता है, जैसे 1800 क्वांटिटी आप एक बार में बाय कर सकते हैं निफ्टी 50 का। अगर आप आइसबर्ग के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ लेग्स के थ्रू आप यहाँ पर नंबर ऑफ लेग्स बढ़ा करके और क्वांटिटी साइड डाल करके आप यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर एक दो लॉट में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको इन सब का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको लाखों का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होता है, 1800 क्वांटिटी से ज्यादा खरीदना होता है, तब आपको आइसबर्ग का जरूरत पड़ता है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर रेगुलर में ही खरीद करके आपको दिखाने वाला हूँ, रेगुलर रहने दूंगा। लॉट साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 का है, यानी कि एक लॉट अगर आप खरीदते हैं तो आपको 50 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, दो लॉट खरीदते हैं तो आपको 100 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। अब अगर आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर 25 क्वांटिटी खरीदना चाहूँ तो आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम आपको 50 क्वांटिटी खरीदना ही होगा निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। और वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो वहां पर आप 15 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लॉट में खरीदना होता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक लॉट खरीद करके दिखाऊंगा। एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है तो क्वांटिटी में मैं 50 रहने दूंगा। इसके अलावा अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं कि कितने रुपए पर आपको खरीदना है। जैसे अभी इसका प्रीमियम 79 रुपीज चल रहा है, अगर आपको लिमिट लगाना है कि मुझे 75 में खरीदना है तो आप यहाँ पर लिमिट लगा करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में सेलेक्टेड है, अगर आप लिमिट में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिमिट में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको लिमिट डालने का ऑप्शन आ गया है। आप अपने हिसाब से किसी भी प्राइस पर आप खरीदने के लिए लिमिट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ₹75 डाल दिया, जैसे इसका प्रीमियम ₹75 आएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तब होगा जब हम लोग यहाँ पर स्वाइप टू बाय स्वाइप कर देंगे तब, ठीक है, अभी हमने स्वाइप नहीं किया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे में प्रोडक्ट में MIS और NRML का ऑप्शन मिलता है। MIS मतलब इंट्राडे होता है, इंट्राडे में अगर आप सेलेक्ट करके खरीदते हैं तो आपको सेम डे में ही अपने पोजिशन को एग्जिट करना होगा। जैसे हमने अगर इसको खरीद लिया, ठीक है, स्वाइप करके, तो खरीदने के बाद मार्केट क्लोज होने से पहले पहले अपने पोजीशन को आज ही के दिन एग्जिट भी करना होगा, ठीक है। अगर आप ओवरनाइट सेलेक्ट करते हैं तो ओवरनाइट में आप इसको उस दिन तक होल्ड कर सकते हैं जब तक आपका एक्सपायरी डेट खत्म नहीं हो जाता। जैसे ये 9 नवंबर का एक्सपायरी डे है और आज है 7 तारीख, तो हम लोग इसको 9 नवंबर के 3:30 बजे तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ओवरनाइट के अंदर। तो ओवरनाइट जनरली ऑप्शन ट्रेडर्स को नहीं करना चाहिए। ओवरनाइट ले जाने का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग देख करके समझ सकते हैं और अपना फैसला खुद से ले सकते हैं कि आपको अपने पोजीशन को ओवरनाइट ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, ओवरनाइट ले जाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक नुकसान बता देता हूँ, टाइम डीके बहुत ज्यादा आता है। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट ओपन होता है गैप अप या गैप डाउन, तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, इसलिए ओवरनाइट आप लोगों को नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इंट्राडे में सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो इंट्राडे में ही मैं आपको खरीद करके दिखाऊंगा। और हाँ, एक चीज आपको और ध्यान देना है, अगर आप ओवरनाइट में खरीदते हैं तो आप चाहे तो सेम डे में भी अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ओवरनाइट में ही रहने दूंगा एंड इसी में मैं आपको खरीद करके और एग्जिट करके आज ही के दिन अभी के अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो टाइप में मैं यहाँ पर लिमिट ही रहने दूंगा, जो कि हमने लिमिट डाल करके रखा हुआ है 75, जो कि मुश्किल है ये ₹75 आना, तो मैं इसको बढ़ा करके क्या कर देता हूँ, ₹80 कर देता हूँ, ताकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और आप लोगों को समझाने में आसानी हो, जल्दी हो, ठीक है, ज्यादा वेट ना करना पड़े। इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर GTT का ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ही स्मार्ट फीचर है, ठीक है। तो GTT को आप इनेबल करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप कितने परसेंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं।
जैसे अगर मैं यहाँ पर 5% का अपना स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 5% डाल दूंगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप टारगेट लगाना चाहते हैं, कितने परसेंट का आप टारगेट रखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से 1:2 का अगर लेंगे तो 10% का मैं यहाँ पर टारगेट लेकर के चल सकता हूँ। तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा, 5% कम होगा लॉस होगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आपका 10% पॉजिटिव जाता है, प्रॉफिट होता है, तो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी सेट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको सेट ही रहने दूंगा 5% 10% के हिसाब से, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। बाकी अगर आप लोगों को ये देखना है कि विदाउट स्टॉप लॉस टारगेट आप कैसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो मैं पिछला वीडियो बनाया हूँ, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने सीखा कि GTT ऑर्डर को यूज करते हुए कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर टैक्स का कोई खास मतलब होता नहीं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वैलिडिटी में आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, हालांकि इसका यूज बहुत ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं। डे में अगर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, तो आप अगर ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो एक दिन के अंदर जो भी आपका ऑर्डर रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो सही है, अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो नेक्स्ट डे आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप IOC सेलेक्ट करते हैं तो IOC का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल, यानी कि आपने अगर ऑर्डर लगाया, ठीक है, स्वाइप किया और इमीडिएटली अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म ही होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। अगर आप मिनट में सेलेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर 1 मिनट के अंदर अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने का कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इन सबको यूज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इस टाइम को सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, 5 मिनट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डे में ही रहने दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी करना है कि कितने क्वांटिटी पर आप ये लिमिट लगाना चाहते हैं। तो हालांकि यहाँ पर अभी डिस्क्लोज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मे बी हमने यहाँ पर 50 क्वांटिटी ही एक लॉट ही बाय कर रहे हैं, अगर ज़्यादा करेंगे तो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये टाइम सेलेक्ट कर लेना है अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो। अभी मैं डे में ही रहने दूंगा। एंड अभी हमने 80 रुपये सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये प्रीमियम 80 रुपये आता है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, 80 से अगर कम आ जाता है तो किसी भी प्राइस पर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए सही है। अगर 80 से ऊपर रहता है तो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा SL को समझ लीजिए, तो अगर आप SL पर क्लिक करते हैं तो अभी आपका लॉस किस तरफ हो रहा है, अगर प्राइस का बढ़ जाता है और आपका बढ़े हुए प्राइस पर बाय होता है तो आपको लॉस होगा। तो इसके लिए आप SL लगा सकते हैं, ट्रिगर प्राइस में आप डाल देंगे कि कितने प्राइस पर आपका ट्रिगर होना चाहिए। जैसे अभी 81 रुपये चल रहा है तो हम लोग यहाँ पर ट्रिगर लगा सकते हैं 82 रुपये 83 रुपये, लेकिन ध्यान रहे कि इससे आपका ज़्यादा नंबर होना चाहिए, यानी कि 81 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 85 भी लगा सकते हैं ट्रिगर, कि 85 पे हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन 85 से अधिक किसी भी प्राइस पर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो 85 से अधिक मान लो 90 पे होता है तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, तो उसको आप लिमिट लगा सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर कि 85 से 87 के बीच आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप SL का यूज़ कर सकते हैं, SL लिमिट यहाँ पर होना चाहिए, SL लिमिट। तो SL में आप ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस डाल देंगे तो ये SL लिमिट हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर SL मार्केट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर सिर्फ ट्रिगर प्राइस डालेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर लिमिट लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लिमिट इसमें लगा सकते थे। SL मार्केट में क्या होगा, मार्केट प्राइस पे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आपका जो ट्रिगर प्राइस पहले होगा हिट होगा तभी आपका मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अभी 81 रुपये चल रहा है, आपने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में 82 रुपये डाल दिया, ठीक है, तो जैसे ये प्राइस 82 रुपये जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और 82 से ऊपर किसी भी प्राइस पर एग्जीक्यूट हो सकता है। हो सकता है कि 81 से डायरेक्ट 82 ना जा करके 81 से डायरेक्ट 84 चल जाए हाई वॉलीटिलिटी की वजह से, तो फिर आपको यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है SL मार्केट में। तो यहाँ पर SL लिमिट लगा करके आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सबसे बेटर होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा जल्दी में हम लोगों को करना है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्केट प्राइस पर ही आपको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मार्केट प्राइस मतलब जो भी मार्केट का करंट प्राइस रहेगा सेम इसी प्राइस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्केट ही सेलेक्ट रहने दूंगा। इसके अलावा हमने ये सारी चीजें समझ लिया है क्या क्या होता है। अब यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर लेना है, कितने पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके वॉलेट में इससे ज्यादा फंड है तभी आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप अपने क्वांटिटी साइज को कम कर सकते हैं, या फिर आपको अपने वॉलेट में फंड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चार्जेस की बात करें तो कितने चार्जेस लगेंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको चार्जेस का डिटेल एक एक करके आपको दिखाई दे देगा कि किसमें कितना आपको चार्जेस लग रहा है। जैसे ब्रोकरेज 20 रुपये का लगेगा, एक्सचेंज टर्नओवर फीस लगेगा 2 रुपये 13 पैसे, GST लगेगा 3 रुपये 98 पैसे, तो टोटल मिलाकर के आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा चार्जेस के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रीमियम 89 रुपये आ चुका है, और अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये मार्जिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा।
ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर स्वाइप करता हूँ एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जीटीटी स्टॉप लॉस शुड बी लेस देन 0%, यानी कि जीटीटी में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है जबकि हम लोगों को स्टॉप लॉस नेगेटिव में रखना है, तो मैं यहाँ पर माइनस करके स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में रखना पड़ेगा, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर -5% डाल देता हूँ ताकि हमारा स्टॉप लॉस माइनस में रहे, 0% से, 0 से कम होना चाहिए। तो माइनस में मैंने यहाँ पर डालना भूल गया था, इसलिए हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अभी इसका प्रीमियम देख सकते हैं 86 रुपये 87 रुपये चल रहा है। मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता हूँ मार्केट प्राइस पर ही। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, हमने पुट ऑप्शन को बाय किया हुआ है। मैं बैक कर लेता हूँ एंड हम लोग यहाँ पर ऑर्डर टाइप के अंदर आएंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एवरेज प्राइस बाइंग प्राइस कितना है, 86 रुपये 95 पैसे। 10:54 पर हमने बाय किया हुआ है, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। क्वांटिटी साइज देख सकते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमने खरीदा हुआ है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमने खरीदा हुआ है वो भी देख सकते हैं। मार्केट प्राइस पे हमने बाय किया हुआ है, NRML नॉर्मल में हमने लिया हुआ है। तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पोर्टफोलियो के अंदर आकर के दिखाता हूँ। तो पोर्टफोलियो में आएंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 100 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ऑर्डर टाइप के अंदर आकर के दिखाता हूँ। ओपन ऑर्डर में हमारा कुछ भी नहीं है, जीटीटी में हम लोग देख लेते हैं। तो जीटीटी में हमारा एक ऑर्डर लगा हुआ है सेल ऑर्डर, ठीक है, जो कि हमारा 10% का प्रॉफिट यानी कि 95 रुपये ये प्राइस जाता है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारा 82 रुपये तक इसका प्राइस गिर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों के दोनों यहाँ पर एक साथ लगे हुए हैं। तो जीटीटी ऑर्डर का फायदा यही होता है कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ आप लगा सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। जो भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, मान लो हमारा टारगेट हिट होता है तो टारगेट हमारा निकल जाएगा और ये स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा टारगेट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस जीटीटी ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप इस स्टॉप लॉस और टारगेट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे 82 को अगर बढ़ाना चाहते हैं या अपना टारगेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर आप इस ऑर्डर को डिलीट करना चाहते हैं और मैनुअली एग्जिट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डिलीट पर कर दीजिए, फिर से जीटीटी ऑर्डर आपका डिलीट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटेड वाला दिखाई दे रहा है, पोर्टफोलियो में आना है आपको। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अभी प्रॉफिट 100 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अब आपको अगर मैनुअली एग्जिट करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करेंगे, फिर जो भी यहाँ पर क्वांटिटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ओवरनाइट में ही रहने देंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरनाइट में हमने खरीदा हुआ था, लेकिन मैं आपको अभी के अभी आपको एग्जिट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट प्राइस पर चाहे तो आप मार्केट प्राइस पर भी एग्जिट कर सकते हैं, लिमिट SL ये सब कुछ आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही एग्जिट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप चार्जेस वगैरह भी देख सकते हैं एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 40 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट 100 रुपये से ऊपर तक चला गया था, तो वहाँ पर भी हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते थे, बट मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था, इस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा लेट हो गया। अब मैं आपको कॉल ऑप्शंस को खरीद करके दिखाता हूँ। पुट ऑप्शंस में हम लोगों को प्रॉफिट क्यों हुआ कि जहाँ पर हमने खरीदा वहाँ से मार्केट क्या हुआ, गिरने लगा, तो इसलिए हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा था। अभी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर बैक कर लिया, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। ठीक है, यहाँ कहीं आसपास में हमने बाय किया हुआ था, मैं आपको पहले रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ इसका चार्ट, शायद क्लियर नहीं है। डे को मैं कर देता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट क्या किया, जहाँ पर हमने बाय किया हुआ था वहाँ से मार्केट गिरा, इस वजह से हम लोगों को पुट ऑप्शंस में प्रॉफिट हुआ। और हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट भी किया था कि अगर हम लोग यहाँ पर खरीदते हैं और मार्केट गिरता है तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार मार्केट गिरता जा रहा है, अगर हम लोग अभी तक एग्जिट नहीं किए होते तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों को हो सकता था। ठीक है, अब हमारा व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ से मान लो बुलिश होगा तो हम लोग यहाँ पर कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे। चलिए मैं आपको कॉल ऑप्शंस खरीद करके दिखाता हूँ। अगर एक्चुअल में मार्केट बुलिश होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर बेरिश होगा तो लॉस होगा। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपको कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर बैक करके कॉल ऑप्शंस को भी खरीद करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले ये वाला स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करके क्या किया था, पुट ऑप्शंस को खरीदा हुआ था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शंस खरीद करके दिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाय पर क्लिक करूंगा, कॉन्सेप्ट सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी 50 ही रहने दूंगा, यानी कि एक लॉट में आपको खरीद करके दिखाऊंगा, मार्केट प्राइस पर ही खरीदूंगा, ओवरनाइट ही रहने दूंगा। इसके अलावा आप यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं फिर से, लेकिन मैं यहाँ पर इस बार स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी लगा करके आपको बताया कि किस तरह से आपको लगाना है। सिंपली आप 5% अपना स्टॉप लॉस, 10% का टारगेट लेकर के अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाई दे देगा, चार्जेस कितना लगेगा वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्वाइप टू बाय पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ऑर्डर के अंदर आएंगे सबसे पहले।
तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले खरीदा हुआ था पुट ऑप्शंस को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पुट ऑप्शंस हमने सेल कर दिया, बाय किया था सेल कर दिया, 50 क्वांटिटी हमने लिया था 50 बेच दिया, किस प्राइस पर खरीदा था किस प्राइस पर बेचा वो आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 64.70 रुपए पे हमने बाय किया हुआ है, कंप्लीट हो गया ऑर्डर, 50 क्वांटिटी है बाय किया है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन है, वो आप यहाँ पर डिटेल सब कुछ देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर आकर के दिखाता हूँ, तो पोर्टफोलियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा लॉस 50-55 रुपए के आसपास हो चुका है, ठीक है 35-30 रुपए। तो ये हमारा लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है और मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। अभी अगर मार्केट बढ़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट गिरेगा तो लॉस होगा। तो देखते हैं हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, एंड हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अभी हमने स्टॉप लॉस और टारगेट वाले को एक साथ बाय करते समय नहीं लगाया हुआ था, यानी कि जीटीटी ऑर्डर हमने नहीं लगाया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑर्डर के अंदर आकर के जीटीटी में देखेंगे तो हमारा जीटीटी ऑर्डर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको मैनुअली अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना होगा। यहाँ पर हम लोग वापस पोर्टफोलियो के अंदर आ गए हैं, एंड सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एग्जिट पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर एसएल पर क्लिक करेंगे तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर कितना लगाएंगे, जैसे अभी 64 रुपए चल रहा है, ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, मान के चलो कि 60 रुपए पर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, और आप अपना ट्रिगर प्राइस डाल दो, 60 से ऊपर कोई भी प्राइस डाल सकते हो, और ये जो प्रीमियम है उससे कम कोई भी प्राइस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 61 डाल देता हूँ, तो 61 रुपए पर हमारा ट्रिगर हो जाएगा, और 61 और 60 के बीच किसी भी प्राइस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर इसका प्रीमियम गिरता है तो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होता है ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्वाइप कर देता हूँ, एक बार आपको लगा करके दिखा देता हूँ, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लग चुका है। ऑर्डर के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर आपको ओपन ऑर्डर्स के अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 61 रुपये पर हमारा ट्रिगर हो जाएगा, और 60 रुपये हमारा मिनिमम प्राइस है जिस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस टारगेट को, ट्रेल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल किया, पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे, एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारा 20-10 रुपए के आसपास प्रॉफिट में आ गया है, ठीक है। हालांकि ये प्रॉफिट कोई खास नहीं है, एक लॉट में हमने किया हुआ है ट्रेड, तो बहुत ज्यादा आपके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाई देगा। ज्यादा क्वांटिटी रहता तो ज्यादा क्वांटिटी में आपके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता। अब मैं आपको बताता हूँ मैनुअली कैसे इसको मार्केट प्राइस पर एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर एग्जिट करना है, फिर आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस ही रहने देना है। ओवरनाइट में ही मैंने खरीदा हुआ था, इसी में मैं इंट्राडे में ही बेच करके आपको दिखाता हूँ। तो बेचने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस भी देने पड़ेंगे, तो चार्जेस का डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वाइप टू सेल पर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा, एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल ओवरऑल 97 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो कि इसमें से हमारा लगभग सारा पैसा ब्रोकरेज में ही चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कॉल ऑप्शन में हम लोगों को 57 रुपए का प्रॉफिट हुआ, पुट ऑप्शन में 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इससे ज्यादा हमारा ब्रोकरेज ही चल जाएगा। तो ब्रोकरेज के बारे में आप लोगों को डिटेल वीडियो अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि कितना मुझे इसमें ब्रोकरेज लगा है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, कब हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक चीज देखना ऑर्डर के अंदर आकर के, तो यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक सेल ऑर्डर लगा करके रखा होता है अपना स्टॉप लॉस, वो हमने कैंसिल किया, तो यहाँ पर आपको कैंसिल दिखाई दे रहा है। कैंसिल करने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है, आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया स्टॉप लॉस टारगेट कुछ भी, तो आप अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल पे कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता है। तो आप बेझिझक अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कई बार आप चाहें तो कई बार अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए 64.70 रुपए पे हमने बाय किया हुआ था, 65.85 रुपए पर हमने एग्जिट कर दिया, क्वांटिटी 50 था, तो उसी हिसाब से 57 रुपए के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कॉल और पुट ऑप्शन को खरीदा जाता है। अभी मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेटर क्लियरिटी मिले। यहाँ पर मैं वॉचेस नंबर 2 में आकर के निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर चार्ट ओपन किया, एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट बुलिश होगा, सो दैट हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ था। तो अभी मार्केट क्या किया, बुलिश गया, तो बुलिश गया तो हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। अगर हम लोग थोड़ा देर तक और वेट करते और अगर मार्केट और भी ज़्यादा बुलिश होता, अगर हाई को ब्रेक करता, तो फिर बड़ा मूव मिल सकता था। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे ज़ेरोधा एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ेगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सके। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।